नमस्कार दोस्तों, आज मैं 1947 के विभाजन पर बात करने वाला था हिंदुस्तान पाकिस्तान के, लेकिन आज अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट श्री जो बाइडेन ने आज शपथ लिया है। अमेरिका के वो न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं, तो आज उनकी शपथ ग्रहण समारोह भी मैं देख रहा था और उनकी स्पीचेस भी मैंने सुना। तो ठीक है, यहाँ के न्यूज चैनल सब जितने हैं वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन जो है इंडिया के लिए अच्छे साबित होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो इंडिया के लिए अच्छे साबित होंगे। क्योंकि आप एक चीज उनके जो उनका जो टीम है उसमें आप एक चीज गौर करेंगे तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हैं वो उनके टीम में भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं। और इंडियंस को भी जो उन्होंने अपने टीम में रखा है वो इंडियंस तो हैं लेकिन एंटी इंडियंस भाषा बोलते हैं। जैसे जब CAA का कानून इंप्लीमेंट हुआ उस समय ये लोग जो थे वो CAA कानून का विरोध कर रहे थे, और जब कश्मीर से धारा 370 हटी और 35 ए तो ये लोग धारा 370 35 ए का हटने का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो बाइडेन जो प्रशासन जो है वो इंडिया के साथ उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा जितना पिछला प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप का था और बराक ओबामा का था। तो ये बराक ओबामा का जो प्रशासन था वो भी इंडिया के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप थे उनके प्रशासन के, उससे भी फॉर बेटर बहुत अच्छा जो रिलेशन हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ। लेकिन आपने आज जो बाइडेन का भी स्पीचेस सुने होंगे और उससे पहले अगर सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का भी, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे थे, मैं वापस फिर से आऊंगा लौट के, वो फिर से आएंगे और एक नए रंग रूप में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। या तो वो रिपब्लिकन पार्टी में रहे या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाए। आई होप वो नई पार्टी जो बनाएंगे, शायद उसका नाम भी सामने आ रहा है, उसका नाम होगा पैट्रियट पार्टी। सुनने ही से अपने आप में ऐसा है, ऐसा वर्ड है जिसको आप देशभक्त कह सकते हैं। पेट्रोटिक मतलब देशभक्ति, पेट्रोट मतलब देशभक्त। तो वो एक देशभक्त पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इतना तो आप जान जाइए डोनाल्ड ट्रंप पे राष्ट्रवाद पे के मामले में उन पर शक नहीं किया जा सकता। उनके जितने राष्ट्रवादी नेता अमेरिका में नहीं हुए, उनके राष्ट्रवाद पे शक कभी नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रवाद पे, वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, वो लिबरल नहीं थे, लिबरल भी थे। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि उनके कार्यकाल उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए और खास करके अपने देश को काफी फायदा पहुंचा उनके कार्यकाल में। उन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया हिंदुस्तान को, आप माने या ना माने। वो ये हथियारों का सौदा हो या फिर किसी भी टाइप का डिफेंस एग्रीमेंट हो, इन सब के मामले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए उतना फ्रेंडशिप नहीं हो सकता क्योंकि उनके टीम में पाकिस्तानी है, कश्मीरी है। अगर ये कहने से काम चल जाएगा कि एक इंडियन मूल की महिला बनी है वीपी वाइस प्रेसिडेंट, तो आप ये जान लीजिए ये जो इंडियन मूल की महिला जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वहां की श्रीमती कमला हैरिस, ये भी आपको धारा 370 35A
और CAA का और NRC का विरोध कर चुकी है, तो आप मान के चलिए वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगी। और इनकी जो सरकार आई है, इनकी सरकार आने से एक पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिला है, पाकिस्तान और चाइना को, दोनों को ऑक्सीजन मिला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे तब तक वो चाइना पाकिस्तान पे इतनी कड़ाई कर चुके थे, इतनी कड़ाई कर चुके थे कि उनकी दम निकल चुकी थी। लेकिन वही दम, निकली हुई दम, अब वो ऑक्सीजन में रिटर्न होके आ रहा है, उनको ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आपने जॉय बाइडेन का भाषण सुना होगा, उनका भाषण मुझे एकदम बढ़िया नहीं लगा, उतना दमदार भाषण नहीं था जितना होना चाहिए एक राष्ट्रपति का, एक प्रेसिडेंट का, या फिर प्रधानमंत्री, अगर उस स्टेट के प्रधानमंत्री हो, जिस भी कंट्री के प्रधानमंत्री हो, उनका एक दमदार भाषण होना चाहिए। उस भाषण में अपने देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलना चाहिए कि देश की जनता को लगे हाँ कोई मेरा प्रेसिडेंट बना है जो इस देश के लिए सोचता है, सोचेगा, करेगा। जैसे आप देख लीजिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उनका भाषण में कितना दम होता है, और आप उनका भाषण अच्छे से सुनेंगे तो आपके अंदर एक जोश भरेगा अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। वैसे ही थे इनके इनके पहले वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका ही भाषण बहुत शानदार हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इज बैक, वो जरूर बैक होंगे, जरूर आएंगे वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, लेकिन अगला इलेक्शन जो 2024 का होगा, वहां पे आज से ठीक 4 साल बाद, उसमें वो जरूर फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे और वहां के लोग उन्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे, मेरा अपना ये विश्वास है। मैं खुद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के बारे में सोचते भी थे। हाँ, इसमें क्या बुराई है, अगर कोई अपने देश के बारे में सोचे, अपने देश का नौकरी अपने अपने देश ही में रखे, वहाँ का बिजनेस अपने देश ही में रखे, वहाँ का जो जॉब्स अपने देश में रखे, तो उसमें क्या बुराई है। अगर मेरा घर है ये, उस घर में बाहर के लोग आए आ करके और मेरे ही बच्चे का नौकरी छीन के ले जाए, तब तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को सहन नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये तो कहा था कि मैं यहाँ का नौकरी किसी बाहरी को नहीं करने दूंगा, यहाँ की जो नौकरी होगी, यहाँ के जो जॉब्स होंगे, वो यही के लोग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो यही कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ की जितनी कंपनियां हैं जो चाइना में शिफ्ट हो रही है, उसे मैं शिफ्ट नहीं होने दूंगा, इसे मैं अमेरिका ही में रखूंगा, उन्होंने यही तो कहा था। तो इसमें गलत क्या है भैया, क्या गलत उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने? उनको कट्टरपंथी कहा जाता है, उनको काफी सारे कई वर्डों से नवाजा जाता है, कई सारे वर्ड उनके बारे में यूज किया जाता है जो सही नहीं होते हैं। जैसे अपने देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यूज किया जाता है, उसे उनके लिए भी अमेरिका में यूज किया जाता है एक लिबरल और ये वामपंथियों के द्वारा। लेकिन इस बार अमेरिका में वामपंथी जो है वो अपने इरादे में सक्सेस हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने वाला है, ये जान जाओ आप, हिंदुस्तान में आप नहीं सक्सेस होने वाले हो, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, यहाँ के लोग नहीं वोट देते हैं जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। पिछले 10 साल से यही हो रहा है, आप जान जाओ, अमेरिका में तो आपने कर दिया लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ी गलतियाँ थीं, वो एक दो जगह पे काफ़ी गलतियाँ कर गए। मुझे ऐसा जैसा लगता है कि वो कोरोना को सही से निपटने में नाकाम रहे हों, और चाइना पे अगर वो थोड़ी सी और शक्ति दिखाते तो शायद वो रिटर्न कर सकते थे, लेकिन कोरोना को वो अच्छे से कवर करते, उसे कोरोना को खत्म करने के काम पे अगर वो लग जाते, उसे मजाक नहीं बनाते, तो शायद वो अभी वो वही प्रेसिडेंट रहते और अभी वो वही शपथ लेते रहते जॉय बाइडेन की जगह पे। लेकिन इन इन सब चीज़ों में वो नाकाम रहे, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता घटी
और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो जॉय बाइडेन प्रशासन है, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें काफी सारे एलजीबीटी मतलब लेस्बियन और गे को भी जगह दी गई 10%, 10% लेस्बियन और गे भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे। और अगर आप ये मान के चले ट्रंप प्रशासन में तो एक भी पाकिस्तानी नहीं थे हेल्प में, और ना ही एक भी कश्मीरी एक्टिविस्ट और ना ही एक भी एंटी इंडियन कोई भी था उस उनके प्रशासन में। लेकिन इसमें जॉय बाइडेन के प्रशासन में एंटी इंडियंस, एंटी कश्मीर, ये सब भरे पड़े। अब देखिए आगे कैसा होता है, वो कैसा चलाते हैं, क्योंकि जॉय बाइडेन को वो पिछले मतलब कि 2016 से पहले वो 10 साल से वीपी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको प्रशासन चलाने का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और वो जानते हैं कि प्रशासन शासन कैसे चलता है। तो उनको ये चीज़ सिखाना नहीं पड़ेगा किसी को कि प्रशासन और शासन कैसे चलाना है, वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से चलाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिया के फेवर में रहेंगे, क्योंकि जब जब इंडिया ने कोई कदम उठाया है तब तक उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। वैसे ही एक मैं घटना बता रहा हूँ आपको, 1992 का, इस समय इंडियन वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे, वो कार्योजोनिक इंजन पे काम कर रहे थे। कार्योजोनिक इंजन उस समय बहुत अहम इंजन माना जाता था, आज भी कार्योजोनिक इंजन बहुत अहम इंजन है, लेकिन अब हम लोग के पास है वो कार्योजोनिक इंजन। तो उस समय जो भी वहाँ इंडियन साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, तो रशिया तैयार हो गया था अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इंडिया को, ठीक है मैं आपको कार्योजोनिक इंजन का जो टेक्नोलॉजी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अमेरिका भी तैयार हो गया था, जो समय के प्रेसिडेंट थे वो भी रेडी थे कि ठीक है आप बना लो, लेकिन जॉय बाइडेन ने क्या किया था, उस पर सैंक्शन लगा दिया, नहीं ये इंजन नहीं बनना चाहिए इंडिया में, भारत में मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं देने दूंगा। तो उनके सैंक्शन के चलते हमारे वैज्ञानिकों को बहुत काफ़ी सारी तकलीफें उठानी पड़ी और उन्हें कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, और जिसके चलते काफ़ी दिनों तक कार्योजोनिक इंजन का जो भी परीक्षण था, जो भी कार्यक्रम था, वो काफ़ी दिनों तक रुका रह गया। तो बस आप इसी से मान के चले कि ये प्रशासन जो है, जॉय बाइडेन प्रशासन, इंडिया की हेल्प नहीं करने वाली है। ट्रंप प्रशासन का जाना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी झटके से कम नहीं है। तो खैर, अब तो जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो वीपी बनी है कमला हैरिस, उनको भी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, धन्यवाद।